नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार ड्यूरेशन ट्विस्टर में। आज हम आपके लिए गांव में घटी एक भयंकर जोकिनी की कहानी लेकर आए हैं। तो बिना समय दौड़ाए चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। लेकिन उसके पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, मेरा नाम रोशन और आज मैं आपको मेरे साथ घटा हुआ एक सत्य अनुभव बताने वाला हूँ। ये अनुभव मुझे गांव में आया था। गांव में हमारा बहुत बड़ा घर था और उसमें हमारा पूरा परिवार एक साथ रहता था। मेरे दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, ऐसे सब लोग उस घर में रहते थे और उनमें से कुछ लोग वही गाँव में रहकर खेती करते थे और कुछ लोग काम के लिए शहरों में आ गए थे। वैसे ही मेरे पापा ग्रेजुएशन के बाद मुंबई में जॉब ढूंढने के लिए आए और फिर यही रहने लगे। लेकिन जब भी कोई त्यौहार आता था तब सारे भाई बहन हमारे उस गांव के घर में एक साथ मिलकर वो त्यौहार मनाते। लेकिन उस दिन हमारे उस गांव के घर में जो कुछ भी घटा वो मैं पूरी जिंदगी में नहीं भूल सकता। मेरी उम्र तभी 10 साल के आसपास थी और तभी क्रिसमस नज़दीक आ रहा था और मेरे पापा को क्रिसमस की कुछ दिनों की छुट्टी मिली थी, इसलिए हमने गाँव जाने का फैसला किया। तब हम कुल मिलाकर 4 लोग थे। मैं, मेरी मम्मी, पापा और मेरे मम्मी के पेट में एक बच्चा था, इसलिए मुझे नहीं पता था कि वो मेरा भाई है या बहन। तो हम क्रिसमस की छुट्टी में हमारे गांव गए थे और क्रिसमस में बहुत लोगों को छुट्टी मिलती थी, इसीलिए मेरे चाचा बुआ सब गांव के घर में आए थे और पूरा घर भर गया था। और जब कभी ऐसा होता था तब काफ़ी मज़ा आता था क्योंकि सब लोग एक साथ बैठकर इधर उधर की बातें करते थे, गप्पे मारते थे। तो ये कहानी है 1990 साल की। उस रात हम सब ने खाना खाया और हम सब सोने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जब कभी हमारे उस घर में हमारे सारे फैमिली मेंबर्स आते थे, हम अक्सर हमारे घर के टेरेस पर सोया करते थे। टेरेस पे सोने का मज़ा ही अलग था। एक तो वो गप्पे, कहानियाँ और फिर तारे गिनते गिनते सोना, सब कुछ एकदम काल्पनिक लगता था। मुझे वो सब बहुत पसंद था। मुझे अच्छे से याद है हम खाना वगैरह खाकर सोने की तैयारी करने लगे, बिस्तर बिछाने लगे और मेरी जो दादी थी वो नीचे घर में सोती थी क्योंकि उसे सीढ़ियाँ चढ़कर टेरेस में आना नहीं जमता था। और तब दादाजी नहीं थे, वो 2 साल पहले ही गुजर गए थे, इसलिए मेरी बुआ मेरे दादी के साथ नीचे घर में सोती थी और बाकी सब टेरेस पर। तो उस रात हम सब टेरेस पर जाने के लिए निकल रहे थे, उतने में मेरी दादी मेरी माँ से बोली, तुम ऊपर सोना मत, तुम घर में ही रहो। इसके पहले दादी ने कभी किसी को नहीं रोका था, वो हमेशा हमें ऊपर जाकर आराम से सोने के लिए कहती थी। लेकिन इस बार दादी माँ को रोक रही थी। लेकिन जब माँ ने पूछा कि क्यों ऊपर नहीं जा सकती मैं, दादी ने कुछ ढंग से नहीं बताया, लेकिन वो बोली, अरे ऐसा कुछ नहीं, लेकिन तू पेट से है ना, तो क्यों टेरेस पर जा रही है, घर में ही सो जा। लेकिन माँ को तब टेरेस पर सोना था और बाकी के सब लोग भी माँ से कहने लगे, कुछ नहीं होगा, हम सब इतने सारे लोग हैं ना वहाँ पर, डरने की कोई बात नहीं है, चलो तुम। फिर आखिरकार माँ भी हमारे साथ टेरेस पर गई। टेरेस पर एक पलंग था और माँ को उसी पर सोने के लिए कहा था और बाकी हम सब नीचे ज़मीन पर सोते थे। फिर भी तभी रात के ज़्यादा नहीं बजे थे, 9 वगैरह बज रहे होंगे। लेकिन गांव के लोग जल्दी खाना खाते थे और जल्दी सोते थे, लेकिन हमें शहर में रहने की आदत होने की वजह से हमें जल्दी सोने की आदत नहीं थी, इसलिए हम गप्पे मार रहे थे। फिर 1-1.5 घंटे बाद सबने अपनी अपनी जगह पकड़ ली। देखते देखते सब गहरी नींद में सो गए और उस रात बाहर थोड़ा भी उजाला नहीं था। शायद वो रात अमावस की थी और ठंड के दिन होने के कारण पूरा वातावरण ठंडा हो गया था और उस ठंड में मस्त नींद लगी थी। लेकिन फिर 1-1.5 बजे के आसपास वहाँ के कुत्ते अचानक भौंकने लगे और उस आवाज़ से मेरी नींद खुली क्योंकि मुझे उस सब की आदत नहीं थी। लेकिन वो कुत्ते काफ़ी ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे थे और रुकने का तो नाम भी नहीं ले रहे थे। मुझे इस सब की आदत ना होने के कारण मुझे थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि वो थोड़ा अजीब आवाज़ में ही भौंक रहे थे। मुझे लगा कोई चोर तो नहीं आया होगा ना, या फिर जानवरों को कब कोई काली शक्ति दिखती है तब वो ऐसा भौंकते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा डर गया था। लेकिन तभी मेरे अलावा बाकी सब लोग गहरी नींद में थे और उस अंधेरे में मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा था, इसीलिए मैं मुँह पे चद्दर लेकर सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन उतने में मुझे एक आवाज़ आया। तभी हमारे घर के अगल बगल में काफ़ी ज़्यादा पेड़ थे, काफ़ी ज़्यादा झाड़ी बड़ी थी और शायद वो उन पेड़ के पत्तों की ही आवाज़ थी।
ऐसा सोचकर मैं उस आवाज़ को नज़रअंदाज करने लगा, लेकिन तब से ऐसे अजीब आवाज़ आना शुरू हो गए थे और मैं उन चीज़ों से वाकिफ ना होने के कारण मुझे डर लग रहा था। और बाकी सब लोग सो रहे थे और मुझे ना ही नींद आ रही थी और ना ही जागा जा रहा था, लेकिन उतने में एक और आवाज़ आई। ऐसा लगा कि कोई ऊपर से नीचे गिरा, लेकिन वो आवाज़ काफ़ी तेज़ी से आया था। मैं आसपास देखने लगा लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन गिरा क्या? कुछ ना कुछ तो पक्का गिरा था। मुझे थोड़ा अंदाज़ा आया था कि यहाँ कुछ तो अजीब है और ठंडी हवा भी बह रही थी। और उतने में मेरी छोटी बुआ का जो छोटा लड़का था वो एकदम ज़ोर से चिल्लाया और उस आवाज़ से सब लोग अचानक जाग गए। फिर चाचा ने उससे पूछा, क्या रे क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहा है? तब उसने कहा, मामा किसी ने मेरा पैर खींचा, बहुत ज़ोर से पैर खींचा। वैसे चाचा ने उसको शांत किया और बोले, अरे बेटा तुझे सपना आया होगा, हम सब सो रहे थे और बाकी कोई है क्या देखे यहाँ पे आसपास, सो जा शांति से सो जा। फिर सब लोग सोने लगे, लेकिन उस हादसे के बाद तो मैं और भी ज़्यादा डरने लगा, क्योंकि कभी से आने वाले वो अजीब आवाज़ और अब ये हादसा, मुझे यकीन हो गया था कि पक्का यहाँ कोई है। और एक बार इंसान डर जाए तो उसे नींद भी नहीं आती, कुछ ऐसा ही मेरे साथ हो रहा था। मैं यहाँ वहाँ देख रहा था, मुझे नींद कुछ आई नहीं, लेकिन उतने में मुझे एक और आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था कि कोई सीढ़ियाँ चढ़कर टेरेस की तरफ आ रहा है और मैं सीढ़ियों के नज़दीक ही सोया था और बगल में पलंग था जिस पर माँ सोई थी। मुझे लगा कि शायद बुआ ऊपर आ रही होगी, इसीलिए मैं सीढ़ियों की तरफ देखने लगा। देखते देखते वो आवाज़ और तेज़ी से आने लगा, मतलब वह जो कोई भी था वो ऊपर पहुंच चुका था। अंधेरे की वजह से मुझे कुछ दिखा नहीं, लेकिन जब मैंने ध्यान से उस दिशा में देखा तब मुझे वह जो कुछ भी दिखा वो देखकर भरे ठंड में मेरे पसीने छूट गए। वहां पर एक सफ़ेद रंग का कपड़ा लपेटकर कोई खड़ा था। वो जो कुछ भी था उसके ना ही मुझे पैर दिख रहे थे और ना ही चेहरा। मैं मुँह पर चद्दर लेकर छुपकर वो सब देख रहा था, लेकिन अब भी मुझे कुछ ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। और उसमें मेरी दादी भी सफ़ेद रंग की साड़ी पहनती थी, इसीलिए दादी माँ को देखने के लिए आई होगी ऐसा सोचकर मैं अपना डर थोड़ा कम कर रहा था। वो जो कोई था वो धीरे धीरे मेरे माँ की दिशा में बढ़ने लगा। मुझे पता था कि माँ कहाँ सोई है और देखते देखते वो मेरी माँ के पलंग पर जाकर बैठ गई। तभी तो मुझे लगा कि ये पक्का दादी होगी, इसीलिए मैंने चेहरे से चद्दर हटाई। लेकिन वो जो कुछ भी था उसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा थी और मेरी दादी तो इतनी ऊँची नहीं थी। मैं वो सब खुली आंखों से देख रहा था, लेकिन उतने में मेरी माँ जाग गई। पहले उसे लगा कि हम में से ही कोई उस पलंग पर बैठा होगा, लेकिन जब मेरी माँ ने उसकी तरफ देखा तब उसे देखकर वो जोर से चिल्लाई। और उसके बाद मैंने वहाँ जो कुछ भी देखा वो देखकर मेरे पैर के नीचे की ज़मीन ही खिसक गई। मैंने ऐसा अमानवीय दृश्य अपने पूरे ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो मेरी और मेरी माँ की आंखों के सामने टेरेस के कठड़े के दिशा में भागा और उसने सीधे टेरेस के नीचे छलांग लगाई। वो दृश्य मैंने एकदम अच्छे से देखा था और उस समय मेरी जो कुछ भी हालत थी वो मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता, लेकिन तब मेरी माँ काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और उसके चिल्लाने की वजह से सब लोग गड़बड़ी से जाग गए और उसके आसपास इकट्ठा हो गए। और पिताजी माँ से पूछने लगे, क्या हुआ, इतने ज़ोर से क्यों चिल्लाई तुम और इतनी डरी हुई क्यों हो? लेकिन माँ तो कुछ बोलने के हालत में ही नहीं थी, इसीलिए फिर उसे सब नीचे लेकर गए और दादी को जगा दिया। दादी जाग गई और माँ की वो हालत देखकर वो भी डर गई। फिर उसने मेरी माँ से पूछा, क्या हुआ बेटा, मुझे सब सही सही बताओ। तब मेरी माँ ने उसी डरे हुए हालत में कहा, कोई आकर मेरे खाट पर बैठ गया और मेरे पेट पर हाथ घुमा रहा था, मेरे पेट को छूने लगा। मुझे पहले लगा कि आप में से कोई होगा, लेकिन जब मैंने आंखें खोली तब वहाँ एकदम डरावने चेहरे की औरत बैठी हुई थी और वो मेरे पेट पे हाथ घुमा रही थी और वो सब देखकर मैं ज़ोर से चिल्लाई। वो सब सुनकर मेरी दादी तो काफ़ी डर गई और उसने तुरंत सबको नीचे सोने के लिए कहा और सबको ऊपर जाने से सख्त मना कर दिया। और उसके बाद उसने जो कुछ भी कहा वो सुनकर सबके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। दादी बोली, फिर भी मैं कह रही थी कि मत जाओ ऊपर, घर में रहो। अपने उस घर के पीछे एक कटहल का पेड़ है और उस पर एक जोखिनी रहती है।
और उसे हर अमावस की रात को चूड़ी और गुड़ देना पड़ता है, वो मैं देती हूँ, लेकिन कल अमावस है और 12 बज कर गए और उसी से और उसमें तू पेट से है, इसीलिए वो आई थी तुझे तकलीफ देने। मुझे जिसका डर था वही हुआ, इसलिए मैं तुम्हें कह रही थी कि ऊपर मत जाओ, लेकिन तुम इस बुड्ढी की बात का सुनते हो। फिर उसके बाद उसने हमारे भगवान के रूम से एक टीका लाया और माँ को लगाया, और वो पूरी रात मेरे माँ के बगल में ही बैठी थी और भगवान का नाम ले रही थी। और अगले दिन जब सुबह हुई तब वो सबसे पहले मेरी माँ को मंदिर लेकर गई और वहाँ जाकर वहाँ के पुजारी जी को सब बताया। फिर उन्होंने माँ के हाथ में एक धागा बांधा और बोले, आज की रात अमावस की है और वो जोखिनी जो आपके घर के पीछे है वो वहाँ काफ़ी सालों से है और इसी वजह से उसकी ताकत भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर आपने हर अमावस को उसकी याद करके उसे चूड़ी और गुड़ दिया तो आपको तकलीफ़ नहीं देगी। एक काम करिए, आज रात ठीक 11:50 पर आपकी इस बहू के हाथ से एक नई साड़ी, काजल, कुमकुम और लाल चूड़ियाँ उस कटहल के पेड़ के नीचे रखिए और बिल्कुल भी पीछे मुड़कर देखने की गलती किए बगैर चुपचाप घर में आ जाइए। फिर उसके बाद रात में जो कुछ भी उन गुरुजी ने बताया वो मेरी माँ और दादी ने सब किया, लेकिन भगवान की कृपा से उस जोकिनी ने फिर मेरी माँ को तकलीफ नहीं दी। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पुराने ज़माने में जो औरतें गर्भवास के दौरान अपनी जान गंवा देती थी उन्हें घर के पीछे दफन किया जाता था और उन्हीं की बाद में जोकिनी बन जाती थी। और ऐसे ही एक औरत को वहाँ दफना कर उस पर कटहल का पेड़ लगाया था। और पहले के ज़माने में डॉक्टर नहीं होते थे और इसीलिए उस समय बहुत सी महिलाएं अपनी जान गंवा देती थी। ये जो जोखिनी होती है वो छोटे बच्चों की तरफ आकर्षित होती है, लेकिन हमारा नसीब इतना अच्छा था कि उसने मेरी माँ को छोड़ दिया, कुछ किया नहीं। अच्छा हुआ हमने समय पर इलाज किया, लेकिन सच में मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। और फिर 7 महीने बाद मुझे एक छोटी बहन हुई और अब उस बात को काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन ना ही फिर कभी ऐसा हादसा हमारे साथ हुआ और ना ही कभी मैं वो हादसा भूल पाया। दोस्तों ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस कहानी की लिंक अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं एक और डरावनी और भयंकर कहानी के साथ। धन्यवाद।